जंडियाला शेर खान मुगलिया सल्तनत का एक अहम सूबाई शहर था। अगरचे ये कस्बा सैलाबी मैदान पर वाक़या था और पानी के कोई करीबी ज़राए नहीं थे, इसीलिए मुकामी बशिंदों को अपनी फसलों को सैलाब करने के लिए कुएं खोदने की ज़रूरत थी। शहनशाह अकबर के दौर में यहाँ पर शेर खान के नाम से मशहूर शख्स आकर आबाद हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने यह इलाका शेर खान खोखर को बतौर जगीर दिया था। इस कस्बे में जंड के बहुत ज़्यादा दरख्त होने की वजह से इसको जंडियाला शेर खान कहा जाता है। सैयद गजनवी नामी एक मुकामी दरवेश के मशवरे पर अमल करते हुए शेर खान ने पानी की आसान फराहमी के लिए यादगार सीढ़ियों वाला कुआं बनाया जिसे बौली कहा जाता है। बौली उस कुएं को कहा जाता है जिससे पानी हासिल करने के लिए आप उसके नीचे तय तक सीढ़ियों के जरिए जा सकते हैं। ये बौली सराय के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। लाहौर से कश्मीर आने जाने वाले मुसाफिर यहाँ रुक जाया करते थे और यहाँ पर अपना सामान भी बेच लिया करते थे। ज़मीनी मंसूबे का तसव्वुर एक मरकजी गुंबद की तर्ज पर बनाया गया है जिसके चारों तरफ 8 छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं। ये बौली पीर वारिस शाह के दरबार के बिल्कुल पीछे मौजूद है और अगर आप पीर वारिस शाह के दरबार से देखेंगे तो ये बौली आपको वहीं से ही नजर आ जाएगी। बौली के जनूब मशरिक में एक छोटी सी मस्जिद भी तमीर की गई थी जो कि आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद है। इस बौली के इर्द गिर्द बहुत बड़ा मुकामी कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये बौली आम आवाम के लिए हर वक्त खुली होती है और इसके अंदर जाने की कोई टिकट नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बौली को महफूज करने के लिए और इसकी तज़ीन व आराइश के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया है।